मुझे ये भी नॉलेज नहीं थी कि साय किसको बोलते हैं, रे किसको बोलते हैं। तो एक नजर जब देखी, जब रूप बातों हर निरेखी, मन खुशहाल हुई जाला। हे मायंबे जय जगदम्बे, आलो मैं तोर दुआरे। हाकी महीना में तेरे को एल्बम गैला से का हुई, हम गाओ तनी स्टूडियो में ऑटो ट्यून लगा के गाते लोग, तो घर के गहना और जमीन जाल बिक्री करके कितने लोग मर जा रहे हैं, सुसाइड कर ले रहे हैं कि ना हम हिट ना गाओ, नहीं तो हाई कॉल तनी। कि तीन दिन से भूखल प्यासल तिबैया, हर दुगो दिल बा मिला के प्रीत दिल में जगा के, पावन परब छठी माई तू हर करब, कर चोरी करी ले गोहार हो। नमस्कार दोस्तों, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कुशदेव और आज हमारे साथ बहुत ही प्रसिद्ध सिंगर हैं मुकेश सिंह मनमोजी जी, जो कि कई भाषाओं में गाना गाते हैं। तो आइए जिनसे आपकी बात कराते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, और हमारे भोजपुरी श्रोता समाज और हमारे चाहने वाले जितने भी हैं श्रोता समाज, ये हमारे चर्चा के माध्यम से जो देख रहे हैं, हमें जो आशीर्वाद दे रहे हैं, सबको मुझे प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और आपको भी मेरा प्रणाम। भैया प्रणाम है। सबसे पहले तो ये बताइए कि जैसा मैंने सुना है कि आप कई भाषाओं में गाना गाते हैं, एक दो तीन चार नहीं, कई भाषाओं में, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, आप लोगों का प्यार है, दर्शक का आशीर्वाद है। बंगला, नेपाली, खोटा, नागपुरी भाषा अभी मैं गाया हूँ, देवी गीत भी गया था, और मेरा तो माटी मेरा भोजपुरी सबसे पहले तो प्रथम मेरा तो वही है, और तीसरे से जितने भी मेरे पवन जी, सुमित द्विवेदी पवन जी लिखे हैं, तो मैं कुछ पब्लिक को सुनाते रहता हूँ। आप लोग के प्यार आशीर्वाद से आप लोग मुझे भी बढ़ाते रहते हैं, चर्चा में लाते रहते हैं। जैसा कि आपने बोला आप बिहार से बिलोंग करते हैं, जी जी, तो बिहार से होकर के आपको इतनी भाषाओं का ज्ञान हुआ कैसे? बचपना एक्चुअली सर्व भारतीय सांस्कृतिक परिषद कलकत्ता से मैं सर सीखा हूँ संगीत, वहीं से प्रभाकर किया हूँ संगीत से। तो आपने शास्त्रीय संगीत सीखा हुआ है? जी सर, और मैं सात भाषा गाने का कारण यह है कि दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में भी अपना मेरा बिजनेस चलता है, जिस वजह से मैं बिजनेस के थ्रू वहां पे, मेरा छोटा भाई रहते हैं, घर भी है दार्जिलिंग में, और बंगाल के इस जगह पे हूँ कि कई भाषा के लोग वहां पे रहते हैं, और मिली जुली वजह से, मिलना जुलना सब दोस्तों से, संगत के वजह से वहां पे इस भाषा को नॉलेज हुआ और उस चीज को सीखा गया, संगीत के माध्यम से भी कुछ कुछ गाते हैं। तो आपने अपना करियर संगीत में कब से स्टार्ट किया? बचपन से, पिताजी गुजर गए, पिताजी मेरे गायक थे, बचपन में ही गुजर गए। मेरा हार्दिक इच्छा था कि मैं भी कुछ गाऊं, मंदिर मंदिर जाकर के, कहीं कहीं पे भजन जहाँ पे होती थी वहां भी जाके शिव चर्चा हो गए, शिव चर्चा में बैठ जाते थे, भजन गाते थे भगवान का, जो पिताजी के डैडी थे डैडी से लिख पढ़ के थोड़ा बहुत गाते थे। सबसे पहले आपने किस भाषा में गाना गाया? सबसे पहले सर मैं भोजपुरी भाषा को एल्बम किया, और उसके बाद से धीरे धीरे जिस तरह से माँ सरस्वती चाहें, जैसे जैसे अपना कदम बढ़ते गए, अपना स्टूडियो भी रिकॉर्डिंग स्टूडियो किए, और उस माध्यम से अपना स्टूडियो से बंगला, नेपाली, खोरठा, ये सब एल्बम किए सर। फिलहाल तो आप टी सीरीज कंपनी के लिए गाना गाते हैं, जो कि भारत की ही नहीं अभी तो विश्व में भी चर्चित है, विश्व की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी है टी सीरीज। बिल्कुल बिल्कुल सर। कैसा फील करते हैं आप उस कंपनी से गाना गाते? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सर। और मुझे तो यकीन नहीं, मैं जिसमें बंगाल में रहता था तो उसमें जब सुनते थे टी सीरीज का गाना, तो मैं तो जिस उतना इतना तक मैं नहीं जानता था कि ये हरिहरन जी गाए हुए हनुमान चालीसा या गुलशन कुमार जी को मैं सोचते थे कि गायक है हमारे, बट मुझे बाद में जब पता चला, जब गाना गाने के लिए यहाँ पे आए, तब जाकर मुझे इतना अनुभव हो कि हाँ टी सीरीज में मैं अभी गा रहा हूँ, मुझे खुद यकीन नहीं जिस समय टी सीरीज में वहां पे प्रवेश। अभी हाल फिलहाल में कोई आपका नया गाना आया है? जी सर। क्या दो सुमित द्विवेदी जी लिखे हैं, बहुत अच्छा। अच्छा, तो एक नजर जब देखी, जब रूप बातों हर निरेखी, मन खुशहाल हुई जाला। तो ही ना देखी तो पागल दिल बेहाल हुई जाला। जानम ओ जानम, तुहरा बिना ना जी पाएब हम। ये म्यूजिक किए हैं हमारे अरुण प्रवाल जी, अनुराधा प्रवाल जी के हस्बैंड जो है। क्या बात है सर, आपकी जो रेंज है, जो गायकी है, कुछ अलग ही लग रहा है। और किसी भाषा में कुछ हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल प्लीज। मैं अभी
देवी गीत में एक नागपुरी भाषा गाए, उसमें बस मुखड़ा मैं सुनाना चाहता हूँ क्या। हे मायम्बे जय जगदम्बे आलो मोय तोर दुआरे, ले ले शरण में हे मोरी माता मोया हो तोर छुवारे, माँ मोया हो तोर छुवारे। हे मायम्बे जय जगदम्बे आलो मोय तोर दुआरे, ले ले शरण में हे मोरी माता मोया हो तोर छुवारे, माँ मोया हो तोर छुवारे। बहुत बढ़िया। अच्छा भैया आप में ये बताइए कि आपने जैसे बता रहे हैं शास्त्रीय संगीत आपने सीखा है जी, कितने साल आपने सीखा? मैं संगीत कंटिन्यू सीखने का तो कोई इसमें तो अंत ही नहीं है, समुद्र तो सागर, संगीत सागर ही है जी, जी। और हारमोनियम वो विधि का विधान ऊपर वाले को दुआ से, मैं जैसे भरत शर्मा जी के गाना को प्रैक्टिस कर करके ऐसे ही पहले बजाते थे, हारमोनियम घर पे पड़े थे। मुझे ये भी नॉलेज नहीं थे कि साई किसको बोलते हैं, रे किसको बोलते हैं। तो हमारे महाराज जी, हमारे गुरुदेव बोले कि बेटा कम से कम इतना जानकारी तुम्हें जरूरी है कि हारमोनियम तुम बजाते हो, गाते हो जलोटा जी के भजन, तुम्हें ये नॉलेज नहीं है कि कहाँ से सा होती है कहाँ से पा होती है। तो इसका अनुभव करने के लिए मैं कलकत्ता सर्व भारतीय सांस्कृतिक परिषद से सीखने के लिए गया और वहां से 3 साल 4 साल 5 साल कंटिन्यू वहां पे सीखे। अभी भी सर उस चीज का चल रहा है, एग्जाम जब होती है तो जाते हैं करते हैं। जैसा कि भैया देखिए अभी भोजपुरी में हमारे देखिए कुछ लोग आते हैं अनट्रेंड आते हैं जी, जी बिल्कुल सीखे हुए नहीं आते हैं, 8,000-10,000 रुपए खर्चा करते हैं, सोचते हैं कि हीरो बन जाएंगे, बन जाएंगे। उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो चाहता हूँ सर, मैं फेसबुक पे एक्चुअली लिखा भी था, एक पोस्ट डाला था कि महीना में 13 गो एल्बम गैला से का हुई, हम गाओ तनी स्टूडियो में ऑटो ट्यून लगा के गाते तनी, स्टेज पे गैला के बाद में हे भाई एकर गाना खूब बाजा तबे एकरा स्टेज पे बुलावल जाते। स्टेज पे सर क्या होती है ना कि वहां पे एडिट नहीं कर पाते हैं ना हम लोग, वहां तो पब्लिक प्लेस है, पब्लिक प्लेस में वहां तो पब्लिक माफ नहीं कर सकते हैं, हम तो स्टूडियो से माफ करके कट बाय कट कर बाय कट करके हम लोग ये करते हैं। मैं तो इतने चाहता हूँ, अनुरोध करता हूँ भाइयों से कि कम से कम थोड़ा बहुत गुरु के पास में जाके, एक पैसा भी नहीं लगता है संगीत सीखने के लिए, अगर अंदर में अगर कहीं पे इच्छा हो तो 200-300 रुपया फीस जमा करके वहां पे कर, जो स्टूडियो में लाखों रुपया बर्बाद करते हैं, कितने लोग तो घर के गहना और जमीन जाल बिक्री करके कितने लोग मर जा रहे हैं, सुसाइड कर ले रहे हैं कि ना हम हिट ना गाओ को नहीं तो हाई कॉर्डर नहीं है। सही बात, सही बात हुआ है सर। तो मैं उन लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसा कि भैया आपने बताया कि आपने शास्त्रीय संगीत सीखा हुआ है, तो कुछ झलक शास्त्रीय संगीत के हमारे दर्शकों को। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा जो फेवरेट सॉन्ग अनुप जलोटा जी गाए हुए हैं जी, उनका ही एक गीत है प्रसिद्ध है मुझे वो, सारे ग प ध नि ध प ग रे ग म ग रे ग ग, सारे ग म ग रे स नि रे स नि, पानी रे म प ध प ग रे म ग रे स रे नि प रे स, है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरिनाम का सुमिरन किया करे, हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे, मरकर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हर गुण गाने लगी, महलों में पली बनके जुगन चली, मीरा रानी दीवानी कहने लगी, ऐसी लगी लगन मेरा हो गई मगन। क्या बात है भैया, मैंने बहुत सिंगरों का इंटरव्यू लिया, भोजपुरी सिंगर हिंदी सिंगर, लेकिन यकीन दिल से बोल रहा हूँ, ये नहीं होगा मुंह देखी बात कर रहा हूँ, इतने लैंग्वेज में गाने वाला और इस हिसाब से गाने वाला मुझे अभी तक नहीं मिला, ये मेरी पर्सनली राय है, कोई बुरा ना माने, अगर बुरा भी मानता है तो भाई क्या किया जाए, जो बात है वो बात है। ये आपका आशीर्वाद है या मेरा दर्शक का प्रेम, मैं चाहता हूँ कि इसी तरह से आपका आशीर्वाद बने रहे, हमारे श्रोता भगवान का आशीर्वाद बने रहे। आशीर्वाद तो वही श्रोता लोग ही है बिल्कुल।
और आपका भी आशीर्वाद बहुत जरूरी है ना, ये हमारे साथ तो जरूर है आपके साथ में। और हम अच्छे अच्छे गीत गाने का प्रयास करूं और सुमित द्विवेदी हमारे साथ में हर वक्त खड़े उतरते हैं। सुमित द्विवेदी जी का कोई गीत लिखा हुआ जो आपके दिल के करीब? अभी दिल के करीब का एक अभी जो मेरा गाना रिलीज होने वाली है, एक सिद्ध मुखड़ा में छठ जी का, छठ माँ का भजन में इन्होंने लिखे जी, कि तीन दिन से भूखल पियासल तिबैया, छठ का महिमा कितना सुंदर ये लिखे जी, कि तीन दिन से भूखल पियासल तिबैया और निर्धन पहो फी, निर्धन पहो फी सहाय छठ मैया, तीन दिन से भूखल महिमा के रौरा बखान वेद पुराण में, रौरा से मयार नहीं कोनो जहान में, निर्धन के हारे लू अरे भक्तन के हारे लू मैया सब बलैया, तीन दिन से भूखल हो मां। ये सही बात है, आजकल छठ में देखो तो देवर भोजी साली सराज यही गाने चलते हैं कि देखिए ये ओरिजिनल छठ ये है, इसको छठ कहते हैं कि माँ का बखान करना, यही छठ है, यही त्योहार, यही पर्व है। और हर वक्त तीसरे से एक लिखे हुए हैं जो पिछला मेरा छठ लिखे सुमित द्विवेदी जी, बहुत अच्छा वो विद्यापति जी के धुन पे जो जय जय भैरवी जी का जो धुन है बहुत अच्छा, एक मुखड़ा सुनाना चाहता हूँ सुमित द्विवेदी जी का, बहुत अच्छा मेरा गाना लगा जी। पावन परब छठी माई तू हर करब, कर चोरी करी ले गोहार हो, सुख समृद्धि तानी हमरो के दीहा, हाय हम बल का तोहार हो माँ, सुख समृद्धि तानी हमरो के दीहा। क्या बात है, बहुत बढ़िया गाने, अच्छे अच्छे गाने हैं। अभी तक आप हमसे मिले नहीं, ये हम अपना दुर्भाग्य समझे क्या समझे? मेरा सौभाग्य है जो आज मैं मिलने का आपसे और चर्चा माध्यम से मिलने का सौभाग्य। अच्छा भैया, ज्यादातर गाने आपके तीसरी से ही आज तो तीसरी में आप बॉन्ड है जी? बॉन्ड अभी नहीं चल रहा हूँ सर, बॉन्ड अभी एक्चुअली जहाँ जैसे अभी टीसीज के लिए 3 साल के लिए जो था वो एग्रीमेंट अभी जो है मेरा खत्म हुई है। अगर कोई और म्यूजिक कंपनी आपको गाना गाना चाहे तो गा सकते जी? बिल्कुल बिल्कुल सर, और 1.5 साल मैं अभी रेस्ट में था, मेरा एक्सीडेंट हो गई थी। अच्छा। जिसके वजह से जो है मैं मार्केट से 1.5 साल जो है कुछ भी नहीं किए। अच्छा। और फिर से यहाँ जो है टीसीज में जो है 40 गाने मेरे बन रहे हैं, और 40 गाने पूरे कॉन्ट्रैक्ट हमारे सुमित द्विवेदी भवन जी को दिया गया है, और म्यूजिक डायरेक्टर पे हमारे लवली शर्मा जी उस पे हैं, कुछ गाने पे कुछ गाने विनायक जी कर रहे हैं, और रोहित कुमार बॉबी जी कुछ कर रहे हैं, किशोर वास जी कुछ कर रहे हैं। चलिए भैया, बहुत बढ़िया बात है, भगवान करे आप हमेशा स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। हमारी चर्चा की तरफ से तो यही दुआ है आपके लिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हम चाहेंगे कि आपके अच्छे अच्छे गाने मार्केट में आते रहें, और जो भोजपुरी में अश्लील गाने आ रहे हैं ये ना सुन के हम आपके गाने जरूर सुने। चलिए भैया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आशा करते हैं फिर बहुत जल्दी चर्चा के थ्रू आपसे मुलाकात होगी। जाते जाते कुछ जो अपने दिल करीब गाना सुना सकते हैं हमारे को लिखिए प्लीज। अरे दुगो दिल बा मिला के प्रीत दिल में जगा के, दुगो दिल बा मिला के प्रीत दिल में जगा के, फिर काहे करे लाख पा विधना कहा का ही है हा, प्यार करे के सजा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मिलके भैया आपसे बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सर, नमस्कार। नमस्कार। तो देखा दोस्तों, ये थे हमारे साथ सुप्रसिद्ध सिंगर मुकेश सिंह मनमौजी जी, जो कि कई भाषाओं में गाना गाते हैं। दोस्तों ऐसे सिंगरों को जरूर बढ़ाना चाहिए आगे, और पहली बार मैं भी इनसे मिला और सुन के इनके गाने बेबाक हो गया, देखिए मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है।
जैसे कि भोजपुरी में आजकल लोग आते हैं, अश्लील गाने गाते हैं, रात रात स्टार बनना चाहते हैं। इन लोगों का खाली ध्येय है कि बस हमें हीरो बनना है। तो आपको जो हीरो बनना है उसको हीरोगिरी देखिए, गाना सुनिए जो गायकी करता है, जैसे कि शास्त्रीय संगीत सीखे हुए हैं मुकेश जी। तो ऐसे लोगों को जरूर सपोर्ट करिए, इनके गाने आप सर्च करेंगे यूट्यूब में तो टी सीरीज से बहुत सारे गाने मिल जाएंगे। चर्चा ऐसे ही लोगों से आपको मिलवाता रहेगा, तब तक के लिए कुछ दुबे का आप सबको नमस्कार।